या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड़ापहा नमस्कार। बहुत दिनों पहले मैंने एक फिल्म में काम किया था, जब जब फूल खिले। उसमें मैंने एक हाउस बोट वाले का रोल किया था, याद है? पूरी फिल्म पर कश्मीरी माहौल छाया हुआ था और इस माहौल को जिंदगी बख्शी थी सुरों के नूर संतूर ने। और संतूर का यह पुरनूर जादू जगाया था जम्मू ही में जन्मे पंडित शिव कुमार शर्मा ने। वैसे आपकी जानकारी के लिए आपको बता देता हूँ कि उससे पहले संतूर कश्मीर के एक लोक वाद्य की तरह, एक फोक इंस्ट्रूमेंट की तरह ही जाना जाता था, लेकिन आज शास्त्रीय संगीत की दुनिया में पंडित शिव कुमार शर्मा उसी संतूर के जनक कहलाए जाते हैं। जनक यानी जन्मदाता। देखा आपने इस साधक से अपनी साधना का रिश्ता, कैसे पैदा हुआ ये रिश्ता, कैसे संगीत साधना ही उसके साधक की पहचान बन गई। क्यों ना पंडित शिव कुमार जी से ही पता किया जाए। धरती के साज पर कुदरत का छेड़ा हुआ एक बेमिसाल नगमा है जम्मू, जहां मेरा जन्म एक गणमान्य राज पंडितों के परिवार में। मेरे पिता पंडित उमादत्त शर्मा बनारस घराने के उच्च कोटि के गायक थे। राज पंडितों के घराने में उन दिनों संगीत को इतना अच्छा नहीं समझा जाता था, परंतु मेरे पिता ने गायन तथा वादन को चोरी छिपे जारी ही रखा। पिताजी ने विधिपूर्वक संगीत की तालीम मुझे देनी शुरू की और एक दिन मेरे हाथ में एक साज ला के रख दिया और बोले, शिव इसे संतूर कहते हैं, ये कश्मीर की घाटी का साज है, इसकी साधना करो। संतूर भारत का एक बहुत ही प्राचीन वाद्य है। सदियों पहले इसको संस्कृत भाषा में शततंत्री वीणा कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है सौतार का साज। बाद में इसी का नाम फारसी भाषा में संतूर हो गया। कश्मीर में संतूर का इस्तेमाल केवल सूफियाना मौसीकी में ही रहा, जो वहाँ का एक विशेष प्रकार का संगीत है। संतूर को गाने के साथ और अकेले भी बजाया जाता है।
पिताजी की कामना चुनौती बनकर मेरे सामने आई। फिर ये साज मेरा आराध्य बन गया। मैं पिताजी के मार्गदर्शन में संगीत सागर की गहराई में उतरता चला गया। रंग बिरंगी कुदरत की हर शय में मुझे केवल संतूर के स्वर ही नजर आते थे। साधना ने करवट ली, मैं धरती के स्वर्ग कश्मीर से चला और कलाकारों की कर्म भूमि बंबई में आ पहुंचा। हौसले ने उड़ान भरी ही थी कि कई रुकावटें सामने आ खड़ी हुई। कुछ संगीतज्ञों का ऐसा विचार था कि इस वाद्य में मींड और गमक ना होने के कारण ये शास्त्रीय संगीत के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं जम्मू वापस लौट आया। मैं शुद्ध बुद्ध भूल कर इस साज को वर्तमान रूप देने में लग गया। मैंने संतूर में कुछ बुनियादी परिवर्तन भी किए, जिनमें ध्वनि की मधुरता, तीन सप्तकों की सीमा, 12 स्वरों का प्रयोग और स्ट्राइकर के साथ बजाने की आलाप की विशेष पद्धति महत्वपूर्ण है। राग मारवा एक बहुत कठिन और गंभीर राग है। इस राग को संतूर जैसे वाद्य के ऊपर उतारना काफी दुश्वार है। इस संध्याकालीन राग की साधना में मैं लीन हो गया। फिर शुरू हुआ साधना का एक नया दौर। एक नई चुनौती के साथ मैं वापस बंबई आया और मैं यहां संघर्ष में जुट गया। बंबई के कोलाहल में, सागर की शांत लहरों में, नीले आकाश के विस्तार में मैंने संतूर को निखारा। मजबूत थे, पिताजी की कामना और जम्मू का नाम रोशन करना था।
जितनी अड़चने मेरे सामने आती गई, मेरा मनोबल उतना ही दृढ़ होता गया। कितनी ही बार विदेशों में जाकर संतूर वादन का मौका मिला, विदेशों में भी एक विशेष वर्ग बन गया जो मेरे संतूर का दीवाना था। शास्त्रीय संगीत के अलावा मैंने संगीत के दूसरे क्षेत्रों में भी कई नए प्रयोग किए। प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया मेरे अंतरंग मित्र हैं। शिवहरि की मुलाकात ने एक नया सिलसिला शुरू किया फिल्म संगीत का। इस सारी साधना आराधना में अपने छोटे से परिवार के लिए बहुत ही कम समय बच पाता है। एक खास बात आपको बताऊं, मेरी साधना और सफलता के पीछे मेरी पत्नी का भी बहुत बड़ा त्याग है। कई बार कितने दिनों महीनों तक प्रोग्राम के सिलसिले में बाहर ही रहना पड़ता है, पर मेरी पत्नी के माथे पर शिकन तक नहीं आती। मेरी सफलता और यश के लिए उसकी आंखों में उमड़ता हुआ गौरव मैंने कई बार देखा है। सृष्टि से ही मनुष्य सृजन की प्रेरणा और आनंद पाता रहा है, इसीलिए मेरा संगीत भी ईश्वर को समर्पित है। मैं अपना नित्य का अभ्यास ईश्वर की आराधना के साथ शुरू करता हूं। इतनी व्यस्तता के बावजूद जब भी मैं अकेले में सोचता हूँ तो बचपन की सारी यादें सामने आ जाती हैं और जम्मू कश्मीर की वो खूबसूरत वादियाँ मुझे घेर लेती हैं।
हालांकि इस मोहल्ले और इन गलियों को छोड़े बरसों बीत चुके हैं, लेकिन जब भी मैं इस पुश्तैनी घर को वापस आता हूँ तो बचपन की यादें ताजा हो उठती हैं। अपनों से मिलने का आनंद ही कुछ और होता है। शिवजी, आपने तो संतूर को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया है, मगर इसके भविष्य के बारे में आपका क्या विचार है? संतूर ने कश्मीर से चलने के बाद आज विश्व भर में अपना एक शास्त्रीय संगीत में स्थान बना लिया है, और मैं सोचता हूं कि ये यात्रा संतूर की जो है मेरे तक ही सीमित ना रहे। उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं शिष्यों को तैयार कर रहा हूं, और मेरे पास इस समय हर उम्र के शिष्य हैं। सब लोग थक गए अभी। आज स्मृति भी यहाँ आई हुई है और इनसे भी काफी कुछ बात करनी है मुझे। आप जो कह रहे थे गमक और नींद के बारे में, जो संतूर में कमियां हैं, उसके बारे में। अब ऐसा है, ये देखो, इसको हम कलम बोलते हैं, संतूर को इसी के साथ बजाया जाता है। ये किसकी बनी होती है? ये अखरोट की लकड़ी है। जी। कभी कोई दूसरी लकड़ी भी इस्तेमाल करते हैं। अभी बाकी साजों में ऐसा है कि जैसे सितार में तार को खींचने की सुविधा है, स्वर उससे बढ़ जाता है, कम हो जाता है, सांस के तार जा सकते हैं, या स्वरोत पर हम सूत जिसको कहते हैं कि उंगली की घसीट से उसको निकालते हैं, तो वो सुविधा इसमें नहीं है। इसमें आप स्वर जब बजाएंगे अब क्या होता है, स्वर बजा और कट हो गया। और हमारे संगीत में क्या है कि स्वर के ऊपर ठहरना है, जैसे कोई गा रहा है तो अब इसी बात को इसमें कहना हो तो हम तो ऐसे ही कहेंगे। नहीं अच्छा लगता। अब इसको बजाया जाता है ऐसे ही। तो मैंने बहुत कुछ सोचा कि इसको कुछ और ढंग से कुछ किया जाए, कि जैसे अभी मैं इसको ऐसे कर दूं तो, लेकिन ये जो चीज है ये एक नकल हो गई किसी सांस की, जैसे स्वरोत में हो रहा है, और जितना अच्छा उस पर होगा वो इस पर नहीं लगेगा, और होगा तो इसी स्वर पे होगा, बाकी स्वरों पे नहीं होगा। या इसको कुछ दूसरे तरीके से किया जाए, ऐसे किया जाए तो वो ऐसा लगता है कि इस सांस की बात नहीं है। जैसे होता है ना, एक कैरिकेचर होता है, मजाक कर रहे हैं, कैरेक्टर चेंज हो जाता है। तो मैंने इसके बारे में काफी सोचा, तो मैंने कोशिश ये की कि इसी के साथ बजाया जाए। लेकिन जैसे हर साज का अपना अलग अंदाज है, सारंगी में उसको गज के साथ कहा जाता है, सितार में उसको जैसे मैंने कहा खींच के साथ कहा जाता है, सरोद में उसको सूत के साथ कहा जाता है, तो इसको अपने तरीके से स्वर के ऊपर कैसे टिका जाए, मकसद वो है। स्वर पर हम ठहर सकते हैं, स्वर जो है टूटता नहीं, लेकिन इसका अंदाज अपना अलग है। तो ये एक खास टेक्निक की मतलब सूझ या एक तरीका है। आपने इजाज किया है?
इजाज़ नहीं, मैं क्या करने वाला हूँ, ऐसे ही सूझ गया कुछ, सोचा ऐसे, तो ऐसे ही बंदिशें हैं जिसको हम गा करके इस पर बजा सकते हैं। और मोरी मान ले मैं तिहारे वारे से मोरे मान ले। अब यही बंदिश पर बजानी हो जी। संगीत एक ऐसा सागर है जिसमें जितना डूबो उतने ही मोती मिलते हैं। मेरा हर कार्यक्रम मेरे लिए एक नया अनुभव है। मैं अभी भी संगीत का एक छात्र हूँ जिसे हर पल कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ खोजना है। सिखाने की कला का तो अंत है, किंतु सीखने की कला अनंत है। शायर ने कहा है, दीवारों दर से उतरकर परछाइयां बोलती हैं, कोई नहीं बोलता जब तन्हाइयां बोलती हैं। देखा जाए तो मेरे संतूर के तारों में भी मेरी तन्हाइयां अकेली कभी नहीं बोलती। मेरे जम्मू का हुस्न, उसकी आबादियां, चिनारों की ऊंचाइयां, सरसब्ज वादियों की गहराइयां और बर्फ से ढकी पहाड़ियों की परछाइयां मेरे संगीत की पहचान है।